रिजल्ट हम 26 तारीख को है, सभी 26 सर हम लोग का तारीख का है पहले दिन इलेवंथ बात एंट्रेंस का डेट, 45 सर दिन हो 26 जाते सितंबर को है। इलेवंथ एंट्रेंस का कब का बोला आपने? 26 किसका? सितंबर 26 सितंबर। जी सर, 9th का। 9th का भी डेट नहीं आया, 9th का आया तुम लोग को नहीं बताऊंगा मैं, ऐसा कैसे हो सकता है तुम लोग को नहीं नहीं बताऊंगा सर मैं। बता बिल्कुल देखो, सर, आज चांसेस का दो प्लान हैं, क्या है दो पहले के दो बाद में? चांसेस हैं, दो चांसेस हैं, चांसेस दो ये हैं, या तो एंट्रेंस 20 तारीख से इनका एमयू का एंट्रेंस शुरू हो रहा है, 20 से 28 के बीच सारे एंट्रेंसेस खत्म, 8 दिन के अंदर सारे एंट्रेंस खत्म, इतना पहली बार हुआ कि लॉन्ग टर्म 1.5 महीना चलता था एंट्रेंस, आठ जो नौ दिन में सब खत्म, ठीक है। और दूसरा ये कि चांसेस हैं कि आपके एंट्रेंस चांसेस हैं कि 20 तारीख से पहले हो जाएंगे, 20 सितंबर से पहले, 6, 9 और ये, ठीक है। अब देखिए क्या डेट आता, या तो इससे पहले या तो इसके बाद, या तो अक्टूबर समझो तुम लोग या तो फिर सितंबर में समझो तुम लोग फाइनल। नहीं सर, अक्टूबर मत समझिए सर। क्यों? मैं एक्सपेक्टेशन अक्टूबर बता ज्यादा दू, अच्छा होगा, अक्टूबर ज्यादा अच्छा होगा, बहुत शानदार तरह से सर तैयारी हो टाइम भी जाएगी, मिलेगा। तैयारी हो जाएगी तुम लोग को बहुत अच्छे से, जिस अंदाज में पढ़ा रहे, मतलब हम लोग को ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं होना पड़ेगा और बड़े आराम से हम पढ़ा सकते हैं, जिस भी अंदाज में पढ़ा रहा सर। इससे अच्छा जनवरी में ही बोला, अगले साल ही ले लो और सर इससे अच्छा है कि अगले साल ही हो जाए बस। चलो जनवरी में, चलो आज इसका पार्ट ना रिमसा जरा सबको ऑफ कर लो, क्योंकि म्यूट कर लो, क्योंकि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डेटा है। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा आपको उसी से मिलता जुलता चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, आधा से ज्यादा तो हम लोगों ने वहीं पे पढ़ लिया खामोखा, उधर ज्यादा मेहनत कर लिया, यहाँ पे करते तो अच्छा होता, तो कोई नहीं हमारा टाइम बच जाएगा डेटा हैंडलिंग में, ठीक है। क्या वर्कअप बोलो, डेटा हैंडलिंग से मिलता जुलता चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ा था, है ना, बोलो वर्कअप क्या हुआ, पता नहीं हैंड रेस किया। हाँ क्या कहते हैं वो बना दीजिए, एक फिगर बनाइए तो पैरेललोग्राम एक बार स्क्रीन पे। बाप रे बाप, ऐसा रैंडम सवाल मारेगा आज टॉपिक से हट के ही एकदम। सर हमने कल ही आपसे पूछा व्हाट्सएप पे सर कि पूछना था आज, व्हाट्सएप पे पूछ लो ना यार, काहे खामोखा पूरे बच्चों वेस्ट करोगे। ठीक है सर, ठीक, अच्छा यूनिक पार्ट हो तो मैं बताओ, ये बताओ या कि मैंने ना पढ़ाया हो ऐसा कुछ बताओ तो अच्छा लगे, पूरा क्लास मेरे पास 55 मिनट से, मेरे को प्रोबेबिलिटी फिनिश करनी है आज, ठीक है। तो दो पार्ट है ना डेटा हैंडलिंग में, दो पार्ट है, एक तो आपको यहाँ पे सिखाया गया स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में वो भी आपको जो सिखाया गया है, मैं देख रहा हूँ आपके एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट है, एक तो होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और एक होता है उसकी एनालिसिस, यानी मीन मीडियन मोड निकालना। तो एनालिसिस आपको क्लास क्लास सेवंथ में सिखाया गया है, लेकिन एमयू के मैं पेपर्स देख रहा हूं तो उसमें मीन मीडियन मोड के सवाल आए हुए, इनफैक्ट 2020 में एक सवाल मीन का आया हुआ है, तो ये बात तो समझ में आई, यानी मीन मीडियन मोड भी हमें पढ़ाना है आपको, तो एक लेक्चर में नहीं फिनिश करेंगे, तो इस वाले को लेंदी है, तो 1.5 घंटे में इस पार्ट को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, बस हल्का सा टेबुलर फॉर्म को और मेरे को एक्सप्लेन करना है, वो टेबुलर फॉर्म को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद एक टॉपिक इसके अंदर जो और है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी। अब आपको जानकर अच्छा लगेगा, ऑब्वियस बात, मैं आपका फ्यूचर बताता हूं, अगर ये दो चैप्टर खराब हुआ तो काका खराब होगा, जरा सुन लो आप, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 14 है ना स्टैटिस्टिक्स है, और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो ना ये लौट के आएगा फिर से 9th में थोड़ा सा, और क्लास 10th में आएगा थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास में, और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में। यानी अगर यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, अच्छे से सीख गए ना आप सर, इसी बात को तो वहां पे भी पढ़ाएंगे, लेकिन सवाल थोड़ा और तगड़े लेवल के हो जाएंगे, और यहाँ पे और तगड़े लेवल के, और यहाँ पे तो एकदम क्लास ही डिफरेंट हो जाएगी, क्लास 11th में भी चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी वापस लौट के आओगे, और 11th में ही स्टैटिस्टिक्स का एंड हो जाता है, क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर फिर से प्रोबेबिलिटी 15 आता है। तो जो आप बचपन से अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, लेकिन कहते हैं ना किसी चीज का डर अगर पैदा हो गया स्टार्टिंग में बच्चों, जैसे लोगों का डर पैदा हो गया कि
सर मेरे से मेंस्ट्रुएशन के सवाल नहीं बनते, सर मेरा ज्योमेट्री वीक है। तो ये डर पैदा हुआ आपका स्टार्टिंग में, जब से ज्योमेट्री के सवाल करना शुरू किए उस वक्त से ही आपका डर पैदा हो गया। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर और प्रोबेबिलिटी चैप्टर पहली बार नवाब सर से पढ़ रहे हैं तो डर को तो हम स्टार्टिंग में ही खत्म करते हैं ना भाई। पानी में कूदने से डर लगता है, स्विमिंग कहां से सीख पाओगे, पहले पानी में तो कूदो तो एक बार मौका तो दो मेरे को अच्छे से स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर। ए, बहुत मारूंगा साहिल, ये क्या कहता है, कह रहा है कि धमकियां बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, धमकी दे रहा हूं, सच में धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आगाह करा कि बेटा देख ले अगर ये खराब हुआ ना, क्योंकि मेरा मानना आप पहले भी जान ली, मैं शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, अगर आप एंट्रेंस निकालने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना बहुत नुकसान होगा आपको आगे जाके, अगर आप सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना उम्मीद करते हैं कि आपको हर जगह ये फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। हाँ, अभी ग्रेविटेशन पढ़ा ही नहीं, अभी ग्रेविटेशन से डर लगता है, अभी नौवीं आठवीं क्लास में ही है, नौवीं क्लास के चैप्टर फिजिक्स से फटक चैप्टर से डर लगने लगा है ना। तुम लोग का चैट बंद करूं, वरना चैट देखते देखते ना जब मेरा मूड करेगा थोड़ा हंसेंगे खेलेंगे तो तुम लोग का चैट दबूंगा, क्योंकि आपके चैट को देख देख के ना थोड़ा सा हमें भी हंसी खुशी आती है ना, क्योंकि तुम लोग का चैट बड़ा मजेदार आता है, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग का पार्ट, इसमें दो पार्ट है ना, फिर से मैंने बता दिया इसमें दो पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक बात याद आई मेरे को, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में मात्र एक सवाल में आप लोगों ने थोड़ा सा एएम और पीएम वाले सवाल में गड़बड़ा गए, वैसे वो 25 सवाल अपने में बहुत मजेदार थे, मतलब शानदार, आपने पूरा समझ लो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरे को मौका मिल गया ना, कसम से अगर मौका मिल गया तो मैं तुम लोग के लिए और भी बहुत कुछ करूंगा, अगर टाइम ज्यादा मिले तो। टाइम कम मिलेगा तो पहला ऑब्वियस बात, सबसे पहला काम होता है सिलेबस जल्दी फिनिश कर दो, सिलेबस फिनिश करके बच्चा अपने से तो पढ़ता रहेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसका जरा वेटेज देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 का वेटेज 2019 में पहले देखते हैं, 2020 का बताओ जरा जल्दी सा, लिफाफे में देख के बताओ कि 2020 में कितने सवाल आए थे, 2020 का लिफाफा मेरे पास नहीं है, 19 का लिफाफा कहता है बहुत बुरा हाल था भाई इसका। ऐसा ना करो यार, ये तो 2019 का हाल ऐसा था इसका, बताए कोई जल्दी मॉनिटर, 2019 में, 2020 में, 18 में, 3-2-2, 3-2-2, 3-1-0-1, 2020 का हाल बताए कोई, 20 का हाल किसी ने नहीं बताया अभी तक, क्या बात है। तुम लोग लिफाफा तो सामने ही रखा होगा यार, पैम्पलेट, मेरा वाला पैम्पलेट कहाँ चला गया, लिफाफा बताओ मॉनिटर। हाँ जैद बोलो, कितने हैं सर, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक, अच्छा एक, स्टैट्स का है, प्रोबेबिलिटी का है, स्टैटिस्टिक्स का, अरे वही जो है यार, मीन वाला सवाल है यार, ये मीन वाला सवाल है, एक ही सवाल, मैंने बोला एक सवाल आया था मीन का, वो यही सवाल स्टैट्स का सवाल है, मतलब स्टैट्स का एक सवाल है और एक सवाल जीरो सवाल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमें वेटेज पता चलेगा, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, आगे जाके दोनों चैप्टर अलग अलग हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल अगर 3 आया है तो किसमें से कितने कितने सवाल आए, ठीक है। 2018 में 3 सवाल है, 18 में प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन और मोड, देखो प्रोबेबिलिटी का एक सवाल, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल, मीन और मीडियन का दो सवाल, ठीक है। 2019 में 17 में दो सवाल, अरेंज नंबर दिस मीन, ठीक है, और उसके बाद रेंज, रेंज की बात हो रही है, मीन दोनों का दोनों स्टैट्स है, ठीक है। अरे मैं प्रोबेबिलिटी के बहुत कम सवाल आए, थोड़ा ओवरऑल काउंट कर लेता हूँ, एक प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी है, तीन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-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 
प्रोबेबिलिटी का है, तो खामुखा एक दो लेक्चर इसको क्यों दे यार, तो बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, हाँ साहिल बोलो दोस्त। सर एक क्वेश्चन आया था ना प्रोबेबिलिटी से सर लास्ट ईयर, कौन सा सवाल था बताना जरा मेरे को। सर 44 सर दो आए थे इस चैप्टर से, सर इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था 28 वाला मीन वाला और एक आया था 44 प्रोबेबिलिटी वाला। पता नहीं मैंने दो नहीं लिखा है क्या उसमें, नंबर लिखा होगा ना क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऐसे करके लिखा होगा नंबरिंग पैम्फलेट में। क्वेश्चन नंबर 5 में जाके देखो, फ्रंट पेज पे देखो, फ्रंट में ये सर मैं देख रहा हूं। मीन वाला तो याद है, y वाला x और y जिसका z और z बार वाला जो सवाल था सर आपने एक लिखा है 44 वाला सिर्फ। अच्छा तुम्हारा कहना है कौन सा है कि कौन सा एक और सवाल है प्रोबेबिलिटी का। सर लास्ट ईयर एक आया था ना प्रोबेबिलिटी का और एक स्टैटिस्टिक्स का आया था, प्रोबेबिलिटी का कौन सा बताना सवाल पढ़ के। सर 28 वाला जिसमें जो यानी 6 से पार कौन सा नंबर आएगा।
अच्छा तो ये मैंने काउंट नहीं किया, ये तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी जीरो होगी इसकी। यस सर। अब मेरे को पैम्फलेट देखना पड़ेगा। तो दो सवाल होगा, एक सवाल प्रोबेबिलिटी का हो गया, लेकिन दो में एक सवाल इतना आसान आया तो यार बहुत मजेदार वाली चीज है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैट्स नहीं देख रहे हैं, हम लोग सबसे पहले आसान वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो राइट ऑन दिस थिंग, आपको पता होना चाहिए, इसका फ्यूचर मैंने बता दिया, इसका प्रेजेंट मैंने बता दिया, और जो पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, सिर्फ हम लोग चैप्टर नंबर 5 फिनिश करेंगे इसको, कोशिश करेंगे दो लेक्चर में, आज के एक लेक्चर में और अगले एक लेक्चर में हम लोग इसको फिनिश कर पाए। लेकिन क्लास 9th 9th कम से कम 4 से 5 लेक्चर खाली स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। और किसी को लगता हो कि ना सर, नवाब सर से स्टैटिस्टिक्स का बहुत 9th लेवल का पढ़ना है, जाओ यूट्यूब पे मेरा पूरा का पूरा वीडियो स्टैट्स पे ना, ये सब कुछ रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस जितना कुछ पढ़ना है ना, कुछ नहीं छुटा होगा, तो पक्का है। थोड़ा बहुत पिक्टोग्राफ विक्टोग्राफ वाला पार्ट नहीं पढ़ाया होगा मैं, क्योंकि तो बेसिक लेवल का है वो, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती आगे। लेकिन काम काम की चीजें सब कवर्ड है। स्टैटिस्टिक्स के 4 लेक्चर है वहां पे, नहीं 4 या 2 लेक्चर होंगे, जाके देख लेना क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। जिसको भी देखना हो और एकदम डीप में स्टैट्स पढ़ना हो तो देख सकता है। प्रोबेबिलिटी मैंने इन लोगों को 4 से 5 लेक्चर पढ़ाया है 11th इंटरेस्ट वालों को, लेकिन उसको यूट्यूब पे डाला नहीं है मैंने। हाँ सर प्रस बोलो, नहीं बोलना है तो कुछ सुनो आप। चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो इसको हम साइड में कर दें, ऑड नंबर अपीयर टॉस में डाइस में। और कौन सा सवाल है? 3 डाइस वाला सवाल है। बस डाइस ही घुमा रहा है और कुछ नहीं, खाली डाइस पे सवाल दिया और कुछ नहीं। वार वाह, 2 क्वाइंस, हाँ 2 क्वाइन वाला दिया है, 1 हिट, ये भी अच्छा। चलो तो हमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी देखना है, ये भी देखना। चलो प्रायोरिटी मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, बहुत इंदर डीप इतना नहीं, 10th क्लास में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ प्रोबेबिलिटी। 10th वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी, 9th वाली तो बच्चों वाली है यार। आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो राइट ऑन द टॉपिक पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले या इसको हम बोले चांस, चांस ऑफ अकरिंग, है ना, ऐसा समझो, ज्यादा अच्छा इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। इट इज चांस ऑफ अकरिंग, किसी चीज को होने की संभावना, चांस ऑफ हैपनिंग of an event, chance of happening of an event, किसी event का होना, कोई चीज का होना या ना होना is termed as probability। तो इसको अगर मैं class 9th 10th में अगर लिखवाता तो मैं इसको ऐसे लिखवाता, it is the numerical method to calculate the chance of happening of any event। तो ये एक numerical method है, हम numerically ये बता सकते हैं, numerical method To calculate chance of happening of any event, किसी event का होना। event ये word क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे जब हम कुछ कुछ definitions आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस probability को समझते हैं ना सर। जैसे बारिश का महीना है, आपने ऊपर देखा और देखा बादल तो एकदम घिरा हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी? तो आपने कहा सर 100% हम बोल रहे हैं ना बारिश होबे करेगी, तो आप परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हो। आप बोले ना 1 है प्रोबेबिलिटी इज 1 भी कहने का मतलब हुआ 100%, ठीक है। तो अगर आपने कहा ना सर 50% चांस लग रहा है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसको हम परसेंटेज में अगर लिखें तो 50%, डिसमल में लिखें तो 0.5, और अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/2। बात एक ही है, तो एक बहुत शानदार बात, 50% इज इनडायरेक्टली, आपको भी पता होगा कि X% जो था, मैं फिर से अभी वार्न कर रहा हूं, मेरे को ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ चाहिए। एक तो परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं ये आप पढ़ लेंगे। एवरेज बता दो, इस चैप्टर से आपको 2 से 3 सवाल आने के चांसेस हैं एमयू के 9th एंट्रेंस में। तो मैं फिर से भी वार्न कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर वार्न कर रहा हूं तो रैंडम अगर किसी दिन डीपीटी नहीं होगी ना, तो मैं बोल दूंगा परसेंटेज की डीपीटी, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें पहले बता रहा, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगा दोनों टॉपिक का जब मैं आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स परसेंट सबको पता है, हाँ कभी कभी धूप के साथ बारिश हो जाती है, तो संभावना आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, यानी आपकी संभावना गलत है। एंड स्टिल इस बार भी मैं सबसे नंबर 1 हूँ यूट्यूब पे कि जिसने सबसे जल्दी आपके एमयू का एग्जाम का रिजल्ट डेट अनाउंस हुआ और फट सा मैंने डाला वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत शानदार बात, प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड। तो मैंने क्या हुआ, ये बात आप छोटा सा ही परसेंटेज में जानते हो, एक्स परसेंट,
तो x परसेंट यानी जो भी परसेंट दे रखा उसको 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, तो 50 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 भी तो लिखा हुआ है सर, वहां से बिल्कुल 0.5 भी लिखा हुआ है, और 0.5 को हम फ्रैक्शन में उड़ाएंगे तो 1/2। एक बहुत सिंपल बात, प्रोबेबिलिटी को हम किस किस चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज, प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड है ना इन फॉलोइंग वेज, फॉलोइंग वेज इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका इज डिसिमल। अच्छा डिसिमल में भी ऐसा वैसा नहीं कि 1.5 मार दिए 2.5 मार दिए, ना 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 ना, 0.00 से लेकर 1.00 से ज्यादा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। कैसे? अभी हम बात कर रहे हैं जब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। सेकंड, डिसिमल के बाद भी है परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। फ्रैक्शन भी लिख देंगे हम लोग, और फ्रैक्शन भी ऐसा वैसा फ्रैक्शन नहीं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर चाचा हमेशा छोटा या बराबर हो सकते हैं डिनोमिनेटर के, बराबर भी हो सकता है। ये वाला फ्रैक्शन कभी ऐसा नहीं होगा 10/4 आ गया तो पता चला ये 2.5 हो गया भाई, तो ऊपर वाला वैल्यू हमेशा नीचे वाले से छोटा होगा, ऐसा वाला फ्रैक्शन। और तीसरा भाई साहब, परसेंटेज में भी हम परसेंटेज में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0% से लेकर 100%। एक छोटा सा सवाल, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, नारा सा, एक सवाल ऐसे ही का परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकत बा, का परसेंटेज को हम 100 से ज्यादा ले सकते हैं या परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इतने लोग यस, और अभी भी लोग नो बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने मेंसुरेशन मेरे से पढ़ा, मेंसुरेशन में मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी सिखाया, और ये पक्का है इन्होंने मेरा ये परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ, पक्का इन्होंने नहीं देखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ना, परसेंटेज बिल्कुल ना हो सकता, सही है, अच्छा है, बहुत सही आ रहे हो। तो इसी में मैंने एक छोटी सी बात बताई, मान लो एक ऐसा एग्जांपल हो जाए, आज मेरी ना मान लेते हैं ऐसे ही कि आज मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, और एक साल बाद 2 साल बाद मेरी सैलरी 9 लाख रुपए पर मंथ हो जावे, तो मेरी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ सर? 3 लाख से 9 लाख रुपए पहुंच गए आप, ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 6 लाख, और कितने में हुआ? 3 लाख में। अबे वो मानने में है, मैथ वाले बंदे कुछ भी मान सकते हैं, तो मानो तो अच्छा मानो ना। मेरी बेगम कहती है जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो, काहे बुरा सोच रहे हो भाई, तो सोचना है तो अच्छा ही सोचो, ठीक है। तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कितने का हुआ? तो बोले भाई 6 लाख का। कितने में से? 3 लाख में से। तो परसेंटेज कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पता चला, ढूंढने को जब जमाने में हम आंसर निकले तो पता चला, क्या पता चला? ओए तो 200% हो गवा यार, 200% सैलरी में इंक्रीमेंट। ना 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 ना, साला गलत है, तेरी सैलरी फिर ना बढ़ पाएगी 50% अगर कैलकुलेट करोगे तो। द सैलरी इंक्रीमेंट इज 200%। ई का हो गया 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता था, ये तो 200 हो गया, परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है? परसेंटेज का मतलब स्कूल के मार्क्स। स्कूल में हमारा किसी बच्चे का आज तक सर 101%, 102% तो नहीं आया, जो भी आया मैक्सिमम 100% ही आया, तो दिमाग में स्कूल वाला ही चल रहा है 100%, बस और कुछ नहीं, वही हो रहा। और वहां पे बेसिकली है क्या भाई, 800 नंबर का पेपर हुआ। अब 800 नंबर का पेपर हुआ, किसी बच्चे का 800 से ज्यादा आ सकता है, जो मान लेते हैं 800 के 800 किसी का आ गया, तो कितना परसेंट के बराबर? परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, काट दिए 100% आ गया। तो दिमाग में आप लोगों का बस वही स्कूल में ही चल रहा है कि हम स्कूल में यही सीखे सर, परसेंटेज का मतलब यही है। वही कह रहा, दुनिया भी आपने देखा नहीं है, तो दुनिया दिखाने का एक छोटा सा नजराना मैंने आप लोग के लिए पेश किया यार, अब उस नजराने को आप कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? नजराना तोहफो कबूल करो, ठीक है, तोहफो तो कबूल करो, कम से कम परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन जाके देखो, ठीक है। तो एक सही बात जो आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज को हम कबूल है को, इधर तुम लोग ना चैट सेक्शन के चक्कर में मेरे को पढ़ाने नहीं देगा, ठीक है। तो 3 तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात आती है सर, प्रोबेबिलिटी होता कहाँ है? तो कोई भी इवेंट है, अभी इवेंट मतलब मैं चाहूंगा कि मैंने डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आवे? तो ये जो इवन नंबर आना जो बोल रहा हूं ना, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट को हम लोग ई से लिखते हैं,
और प्रोबेबिलिटी का एकदम सिंपल आपके लेवल में, मैं प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूं आप लोगों के लिए, अगर मैं नौवीं और दसवीं में कूद जाऊं तो मेरे को नहीं बनाना है कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को नहीं पढ़ाना यहाँ पे हाईएस्ट लेवल का नहीं पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना होता तो मैं देख लेता, एक भी सवाल आता तो मैं पढ़ा देता, नहीं पढ़ाना है मेरे को जब दुनिया आसान है तो मैं आसानी में लेके चलूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज सिंपल थिंग, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बस कहानी खत्म, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस ये अभी फॉर्मूला को मैं फिर से लिखूंगा अगले पेज में, बस ये बात को समझाने के लिए कि ये फेवरेबल अपॉन टोटल यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से ज्यादा और जीरो से कम नहीं हो सकती। मैंने कोई डाइस को रोल किया, डाइस में ओवरऑल आउटकम छह आएंगे, क्या क्या आउटकम के नंबर्स कभी भी छह से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं सर, जो भी आउटकम्स का फेवरेबल आउटकम्स होगा, आउटकम्स मतलब आना, जो भी आएगा वो छह से मैक्सिमम छह हो सकता है, या एक भी आउटकम ना आवे, मतलब डाइस रोल किया और हम जो चाह रहे हैं वो मिलवे ना किया, डाइस रोल किया क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 10 नंबर आ जाएगा, आपकी दुनिया ही अलग है, 10 ला रहे हैं, डाइस रोल किए क्या प्रोबेबिलिटी है कि छक्का आ जाए, वो छक्का नहीं सिक्स आ जावे, है ना, सिक्स आ जावे क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ये बताना, चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं तुम लोग के लिए ना, एक बात बस बताना, देखे कितने लोग इस बात को समझ रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस को रोल करें और छक ने सिक्स आ जावे, सिक्स आ जावे क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ जरा, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या बात, मेरे को एकदम परफेक्ट पता था कि बहुत लोग इसका आंसर वन बोलेंगे, बहुत लोग इसका आंसर वन बोलेंगे, तो मेरे को परफेक्ट पता था, लेकिन आंसर इसका वन बाई सिक्स है, आंसर इसका वन बाई सिक्स है, ले कोई तो वन बाई सेवन भी मार रहा है, आंसर इसका वन बाई सिक्स है मेरे दोस्तों, आंसर 1/6 है, क्यों? क्योंकि एक डाइस में अगर हम रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6, ऑन काउंटिंग काउंट करो इतने कितने नंबर लिखे हुए हैं, आपने बोला 6, अच्छा 6 तो 6 है, अच्छा इनमें से कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ऊपर एक नंबर मिल जाए, कौन सा चाहिए, फेवरेबल ऊपर चाहिए आपको 6, तो 6 को काउंटिंग करने पे कितने नंबर हुए, नंबर तो सिर्फ एक ही हुआ, तो फेवरेबल आउटकम कितने फेवर कर रहे हैं 6 को आने को, तो 1 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 6, इसीलिए 1/6 है ना, 1/6 ये होगी प्रोबेबिलिटी। तो एक बात तो सिंपल है सर, प्रोबेबिलिटी 10 लाना पॉसिबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, और ये नंबर कभी भी इससे बड़ा हो नहीं सकता है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए बहुत शानदार, बहुत दिन से तुम लोगों को पैसे बांटे नहीं है मैंने, आज 500 रुपये वाला नोट दे रहा हूं, नया वाला कड़कड़ाता नोट, कहता है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 as well as 1, ना तो बोर्ड इज ऑल योर्स, उतारते रहो, मैं फिर से बात कर रहा हूं, अब इस बारे को हम समझेंगे सुबह, एक बार फिर से समझेंगे इस बात को ना, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, including 0 as well as 1, मतलब 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, ये मैंने आपको समझाया थोड़ा देर पहले, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 6 कैसे आएगा, ये तो आपने बताया नहीं, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ ना सर, ये 6 कैसे आया, मैं अगर बोल दूं डाइस को रोल किया और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें ना एक नंबर ना 7 से छोटा मिले, अरे भैया 7 से सारे के सारे छोटे हैं, तो सारे के सारे फेवर कर रहे हैं उस गिवन इवेंट को, तो ऊपर हो जाएगा 6/6, कट के आंसर आ गया 1, तो पॉसिबिलिटी है 1 भी आ सकता है। हाँ रिमसा बोलिए सर, आपने जो नोट में लिखवाया है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 as well as 1, सर लोग सिंपली ये क्यों नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी लाइज फ्रॉम 0 to 1? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब बंदा बोलेगा कि जीरो फ्रॉम और जीरो का क्या मतलब है, फ्रॉम और बिटवीन का क्या मतलब, आप तो मेरे से पढ़ी हुई इसलिए आपको पता है फ्रॉम और बिटवीन का क्या, सर आपसे पढ़े नहीं है सर, आज ही आपका वाला लेक्चर देखा इसलिए टोका, कहां देखा तुमने, स्क्वायर रूट्स में यूट्यूब पे, मेरा वाला वीडियो, यस सर बीएमएस, नहीं कहीं तो मेरे से पढ़ा है, क्योंकि मेरे से पढ़ा हुआ बंदा बिटवीन और फ्रॉम का मतलब समझ रहा सही से, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑडिकेंट देखने की जरूरत नहीं साहिल, बड़े आराम से उतारो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तारो मैं बोलता रहा, द बोर्ड इज ऑल योर्स, अभी ये फॉर्मूला को हम फिर से भी आगे देखेंगे, सारा सवाल इसी पे बनने वाला है, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट,
कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम लोग इवेंट कहते हैं, एनसीईआरटी तो इस बात को बोल रहा है। क्या बात है सर, बहुत शानदार। वन आने की प्रोबेबिलिटी ना क्या होगा, वन वन सिर्फ एक नंबर है, एक आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वन है, वन वन अपॉन टोटल नंबर कितने, छह, तो अभी आ जाएगा वन बाई सिक्स। ओह माय गॉड, तो बहुत भयानक हो रहा है। अच्छा, तो उसका भी वन बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है, उसका भी वन बाई सिक्स हो जाएगा। हाँ, दो रोल की बात आ सकती है अरकम, दो क्या, मैं तो तीन तीन चार चार डाइस रोल करवा देता हूँ क्लास नाइन टेंथ में, टेंथ में इनफैक्ट, नाइन्थ में भी उतना नहीं, नाइन्थ में तो बस दो डाइस रोल करवाता हूँ, टेंथ में तो मैं तीन तीन चार चार डाइस रोल करवा देता हूँ। अभी तो बस आपके लिए बस एक ही डाइस पे खुश रहो, है ना, एक ही बंदा एक लूडो खेले ज्यादा अच्छा है। क्या हो रहा है यार, कुछ लफड़ा हो रही है। कुछ तो नया फीचर आया है इसमें, नहीं कुछ नहीं आया, चलो ठीक है, आ रहा, दो कॉइन वाला करवाऊंगा। सर आपने खुद को म्यूट कर लिया यार, ये अपने आप हो गया, पता नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है। दो क्या, तीन तीन चार चार कॉइन वाला भी कराऊंगा मैं, बेफिक्र रहो, आप चार्जर लगा दो। चलो हो गया डन। ये आने का मतलब ये है किसी ने एटोनेशन ऑन कर दिया है, सिक्योरिटी में जाके एटोनेशन ऑन हो गया है। ये पता नहीं ये नया चीज आ गया, अच्छा ये इसके वजह से हो रहा है, चलो ठीक है, अब समझ गया। बढ़ते आगे ना दोस्तों, आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने कुछ डिफिनेशन है, मैं चाहता हूँ जल्दी से डिफिनेशन करें, उसके बाद सवाल सवाल पे कुछ जाते हैं, क्योंकि नमाज यहाँ जल्दी हो रहा है, इसलिए मैं पहले नमाज पढ़ लिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी अलीगढ़ वाले लोग नमाज पढ़ पाएंगे। जल्दी जल्दी से कुछ डिफिनेशन, उसके बाद फिर से हम लोग आएंगे वापस उस पे ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से जाके आप अपने एनसीईआरटी हिसाब से एनसीईआरटी को डिफिनेशन उतार लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट प्रायर नोन, ठीक है, आउटकम्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आउटकम्स, आउटकम्स मतलब आना, जो चीज आना है उसको हम आउटकम बोलते हैं। Outcomes are not known prior. मतलब हम जब तक डाइस को रोल नहीं करें, जब तक आ ना जाए, हम नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। जब तक हम कॉइन को उछाले नहीं, हम नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि that is random experiment. Outcomes are not known prior. पहले से ना पता हो तो उसको रैंडम। और अपने लाइफ में, अपने पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में सर, अपने पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम लोग ना ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ रहे होंगे। द प्रोबेबिलिटी इज रैंडम, मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टेकन, ब्ला 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 आगे चल रहा होगा। तो रैंडम का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक वर्ड जो यहाँ पे पढ़ाया गया है आपको, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम, इस सब बातें क्लास 9 10th में फिर से आएंगे, तो मैं जरा ये भी बात आपको समझा देता हूँ। इक्वली लाइकली आउटकम, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, अरे सर मेरा जो दोस्तवा है ना, वो दोस्त ना जब भी सा खेलता है लूडो मेरे साथ, वो जब चाहे तब छक्का आ जावे, सिक्स आ जावे, जब चाहे तब सिक्स आ जावे, ठीक है, और जब चाहे दो आ जाता है, तो वो कैसे, तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही अलग कर रहा है। आना, इनफैक्ट हम ये मानते हैं जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी एकदम मानना एक क्लियर है, एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली टू कम, एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली टू कम। मतबल ये, अगर मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं तो मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या आने वाला है, एक तो पहला, दूसरा वन भी आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने डाइस, कितने आउटकम्स है, छह, वन भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, टू के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, थ्री के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फोर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, फाइव की भी 1/6 है, और सिक्स की भी 1/6 है, यानी सब की प्रोबेबिलिटी आने की बराबर है, बराबर है। टोटल आउटकम छे और वन आना यानी एक ही आउटकम आना, टू आना यानी एक ही आउटकम आना, थ्री आना मतलब एक ही आउटकम आना, फोर आना मतलब एक ही आउटकम आना, ये बराबर है। अच्छा सर, अगर मैं बोलूं एक कॉइन को टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक टेल आएगा, तो सर दो ही आउटकम है ना, हेड या टेल,
तो टेल आना मतलब एक ही पॉसिबल, तो 1/2.5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फिर से 1/2। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो जो आउटकम होगा उसका जो आना है वो एकदम बराबर है। अब इसी पे एक छोटा सा सवाल करते हैं, मान लो चार ग्रीन बॉल क्या बना सकते हैं, अब नंबर कुछ नहीं बन सकता, चलो पांच रेड बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल और छह व्हाइट बॉल दे रखा है, एक बैग में हमने बंद कर रखा है, ऐसे रैंडम मैंने एक बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे को ग्रीन बॉल मिलेगा? चैट सेक्शन इज ऑल योर्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे को ग्रीन बॉल मिलेगा? प्रोबेबिलिटी बताइए ग्रीन की क्या होगी। तो आप अभी क्या ट्रीट कर रहे हो ना, 1/3, 1/3 गलत है, क्योंकि ग्रीन बॉल कितने पड़े हुए हैं सर, ग्रीन बॉल चार पड़े हुए हैं और टोटल बॉल कितने हैं सर, तो इन टोटल बॉल को जोड़ेंगे तो 4+5, 9, 9 और 6, 15 है सर, तो दिस वी है 4/15, एकदम क्लियर है सर, 4/15 आएगा क्योंकि ग्रीन वहां पे चार अवेलेबल है, टोटल तो 15 है, टोटल तो 15। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं बताओ रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड की बताओ, रेड की क्या होगी? हाँ अब आप बोलो सर 5/15, रेड कितने पड़े हुए हैं सर, रेड पड़े हुए हैं 5, तो 5/15 हो गया, 5/15 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब 5/15 को अगर हम काटेंगे तो क्लियर सर 1/3 शॉर्ट में लिख सकते हो आप, नो डाउट, चलेगा चलेगा। अच्छा मैं अगर बोलू क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि व्हाइट बॉल आवे, तो सर व्हाइट कितना है 6, और 6/15 काट लो उसको 3 से तो 2/5, ये भी हम कह सकते हैं 2/5, डिसमल में चाहो तो डिसमल भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलू क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लू बॉल आ जावे, बताओ भाई ब्लू या ब्लैक बॉल, बोलू ब्लू या ब्लैक बॉल आ जावे, सर कोई चांस ही नहीं कि ब्लू ब्लैक आएगा, क्योंकि ब्लू और ब्लैक बॉल तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कलर्ड बॉल मिले मेरे को, एक कलर्ड बॉल मिले मेरे को, कलर्ड बॉल मिले मेरे को, यार दिक्कत कर रहा है लाइटिंग में, कलर्ड बॉल मिले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलेंगे सर कलर्ड बॉल चाहिए ना आपको, कलर्ड बॉल चाहिए तो आप बोलेंगे सर ये तो सारे के सारे कलर्ड में है, सारे के सारे कलर्ड है, तो सब के सब आ जाए 15/15, द आंसर इज 1। अब आप बताओ यहाँ पे थोड़ी बहुत चलाकी कर रहा हूं मैं, क्या प्रोबेबिलिटी, पहला सवाल हम लोगों ने देखा, पहले सवाल में देखो कितने तरह तरह के सवाल है। सोले फिल्म वाले सिक्के की बात जो हम लोग करते हैं रेहान, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि सोले के सिक्के वाली जो बात है दैट इज डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, 10th में पढ़ाऊंगा, तो उसमें बात, मैं क्या बोला, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा 10th तक में, क्यों, मैं जो चीज आसान है उसको और कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सुनना यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, दो बड़े कमाल की चीजें हैं जहां पे मैं आपको घुमा सकता हूं इस वाले पोर्शन में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ग्रीन, आइदर ग्रीन और रेड बॉल आ जाए, आइदर ग्रीन और रेड बॉल, याद रखना यहाँ पे वर्ड है अंग्रेजी का वर्ड आइदर ग्रीन और रेड, बताओ आंसर, आइदर ग्रीन और रेड, बहुत सही बहुत सही, आइदर ग्रीन और रेड का मतलब या तो ग्रीन आ जावे या तो रेड आ जावे, ठीक है, एक बॉल निकाला रैंडम तो या ग्रीन आ जाए या रेड, तो ग्रीन भी हम काउंट कर लेंगे और रेड भी काउंट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया सर 9, और टोटल कितना है 15, तो आंसर भी 9/15, सेव जरा निकालना, ठीक है, दैट वी हैव 9/15, तो 9/15 हो जाएगा। चलो अगला, अगर मैं आपसे बोलू नाइदर, एक वर्ड आया आइदर और एक वर्ड आया नाइदर, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, फिर बताओ कितना, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट निकालो, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, ना ना जीरो कैसे, नाइदर ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं आना चाहिए और ना ही व्हाइट आना चाहिए, तो ये दोनों ना आए तो कौन सा आ जाए, तो ये वाला आ जाए सर रेड, तो टोटल इनडायरेक्टली क्या चाहिए आपको, आपको रेड चाहिए 5/15, सही हो गया 5/15, 5/15 सॉल्व कर लेना, तो आंसर इज 1/3, ठीक है, तो 1/3 भी सेट कर दो, तो सर ये रख,
इसको तो बाहर रखना, समझ गया, छोटा प्लास्टिक से बाहर। तो आंसर इज 5/1। हाँ बहुत सही, 33% आप कह सकते हो, 1/3, 33%। तो आपने एक बहुत शानदार चीज यहाँ पे छोटा सा सीखा, ये इक्वली लाइकली में क्यों कराया सर आपने सवाल, इसलिए मैंने ये सवाल इक्वली लाइकली में कराया क्योंकि हम ये ट्रीट करके चल रहे होते हैं कि हर बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ना बराबर है, हर बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बराबर है। अच्छा सिक्योरिटी में जाके ऐसा भी होता है क्या, चैट टू होस्ट एंड को होस्ट चैट, ऐसा नहीं है ऑप्शन यहाँ पे सर, ये ऑप्शन फोन में आता है लैपटॉप पे नहीं। अच्छा मोबाइल में है, वाह रे वाह, बताओ ऐसा ऐसा इन लोगों ने बना रखा है। हाँ सर, तो गलत बात है यार, जबकि लैपटॉप में ज्यादा फीचर होना चाहिए, इतना महंगा इंसान यूज कर रहा है। चलो दोस्तों जल्दी से इसको डन करो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसी तरह वर्बल, अभी हम लोग आते हैं आगे, उससे पहले हम लोग जरा इवेंट को भी जान जाते हैं, यहीं पे लगे हाथ जगह बचा हुआ है तो इवेंट भी जान जाते हैं। इवेंट चचा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम लोग इवेंट बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम लोग इवेंट बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज इवेंट, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। बस दो तरह के सवाल आपको दे रखा है, अरे रेड बॉल येलो बॉल वाला सवाल कराया है आप लोग एनसीईआरटी में यार, स्पिन स्पिन वाला बॉल ये सब आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ, ग्रीन बॉल रेड बॉल, ठीक है, ग्रीन रेड, ये सब बच्चों वाली चीज कराया हुआ। जल्दी जब हो जाए डन तो बताना, किसी को कोई पूछना हो तो तब भी बताना, बिंदास। सबसे आसान चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे आसान, लेकिन देखते हैं आज के डीपीटी में कौन 15 में से 15 परफेक्ट ला के दिखाता है, तो हम माने आप लोग की कितने अच्छे से पढ़े हुए हो। चैट टू नवाब सर कर ले प्लीज, हाँ यार ये बताने की जरूरत नहीं, सब लोग चैट टू नवाब सर कर ले। हाँ आ रहे सर, आ रहे आ रहे आ रहे वहां पे आ रहे, काय टेंशन ले रहे, ठीक है, पहले एनसीईआरटी लेवल का हो जाए उसके बाद, एनसीईआरटी लेवल का हो जाए उसके बाद हम आएंगे, टाइम को देखते हुए, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया आउटकम का कलेक्शन, ये क्या होता है सर आउटकम का कलेक्शन, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे ये दैट वाज कलेक्शन ऑफ आउटकम, ग्रीन और रेड को मैंने मिक्स कर दिया, दैट वाज कलेक्शन ऑफ आउटकम, मैंने डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी हो कि इवन नंबर आवे, इवन नंबर आवे, दैट इज कलेक्शन ऑफ आउटकम, ठीक है, ठीक है। तो हाँ ये भी बात सही है, कितने लोग हैं, गुलाम मुस्तफा ने बहुत शानदार बात बताई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आज कितने लोग, आज के सारे के सारे लोग 15 में से 15 लाए, कभी ना हो सकता है 15 में से 15, शायद ही कोई ऐसा सवाल निकला है शायद जो 100% बच्चों ने सही किए हो, शायद सब के सब एकदम सही कर दे। अगर मैं ये पूछ लू ना व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन लिख दो चांस, मारा पीटी, घुसा घासी, लातम घुसा, तो तब भी लोग गलत करके आवेंगे, ऐसा ऐसा लोग पढ़े हुए हैं आप लोग यहाँ पे, क्या बताएं हम, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ना काम करें आप, कुछ कुछ सवाल करें, दो दो केस पता आपके एनसीईआरटी में बहुत कॉमन दिख रहा है मेरे को, दो केस जो कॉमन दिख रहा है, जल्दी से हम बात करते हैं। एक तो डाइस वाला केस ना, डाइस अभी बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको सबको पता है कि डाइस में हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इनमें से कोई एक नंबर आ जाए, रिलेटेड में मैं 4 बोल दूं, तो सर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। चलो जल्दी जल्दी चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, साथ साथ उतारते भी जाएं और इस सवाल को भी करके दिखाएं। अब डाइस को रोल किया है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे को एक नंबर जो मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा, बताओ आंसर, एक नंबर जो मिलेगा वो मेरे को ऑड नंबर मिलेगा, बताओ आंसर। अरे भाई अच्छा है, एक नंबर जो मिलेगा मेरे को वो मेरे को प्राइम नंबर मिलेगा, ये भी अच्छा सवाल है, 1 से लेकर 6 में ढूंढो प्राइम कौन कौन सा है, ठीक है। और जो मेरे को नंबर मिलेगा ना सर वो कंपोजिट नंबर मिलेगा, यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा गड़बड़ा सकता है अगर उन्होंने मेरे से नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया तो, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया तो, ठीक है। और अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो नंबर मिलेगा वो 6 मिलेगा, और क्या प्रोबेबिलिटी जो नंबर जो हमें मिलेगा वो 6 से बड़ा मिलेगा, ग्रेटर देन 6, ऐसे काहे लिख रहे हैं सर आप, ग्रेटर देन 6, जो नंबर मिलेगा ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा मिले, क्या प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो नंबर जो है वो लेस देन 6 मिलेगा, और क्या ग्रेटर देन लेस देन, और सिंगल डिजिट का नंबर, सारे के सारे सिंगल है तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये सब सवाल हवा में आप लोग कर सकते हो। वन डाइस वन क्वाइन, ये वन क्वाइन वाला तो बहुत कॉमन आंसर, एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा,
ADR 10. चलो आंसर्स पे बात करते हैं, इसके आंसर्स पे देखते हैं ना। इवन नंबर आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर कौन है, दो है, चार है, छह। तो आपने कहा सर दो है, चार है, छह है, तो टोटल कितने हैं, ये टोटल है तीन, और फेवरेबल, फेवरेबल तो हो गया तीन, है ना। तो अब हमेशा हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम क्या क्या फेवर कर रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम क्या क्या उसमें आ सकता है। तो टोटल कितने हैं, छह, आंसर हो गया 1/2। ऑड नंबर, ये भी सर 1 है, 3 है, 5 है, तो आंसर हो गया सर, ये भी टोटल हो गया 3/6, आंसर फिर से 1/2। प्राइम नंबर, सर आप ढूंढो प्राइम कौन सा, दो होता है प्राइम, तीन होता है सर, और पांच होता है, तो टोटल तीन नंबर प्राइम है सर, कौन कौन सा, दो, तीन, पांच, अभी भी काउंटिंग वही है सर, तीन, तीन नंबर है जो प्राइम है, और टोटल नंबर कितना है, छह, तो आंसर 1/2, बढ़िया। कंपोजिट नंबर, अगर सब प्राइम तीन तो है तो बाकी तीन कंपोजिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर सिर्फ 4 और 6 है, 4 और 6 है, इसीलिए द आंसर विल बी दो नंबर है जो फेवर कर रहे हैं, आंसर इज 1/3। हाँ देख लिया सर, गुड, आंसर इज 1/3। अभी एनसीईआरटी का सवाल था, शायद चांसेस बन जाए, इसलिए मैंने आपको करवा दिया कि छह आए, तो छह आना यानी एक नंबर 1/6, 6 से बड़ा नंबर आवे पॉसिबल ही नहीं है सर, 0/6 द प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट, 6 से छोटा आए। हाँ ये वाला आंसर बताना जरा, 6 से छोटा का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे लोग मोनिटरी मार खा गई यार, मोनिटरी मार खा गई, जकरिया भी मार खा गई, सोहाली भी, सोहानी भी खा गई मार, ठीक है, मुनाफ भी मार खा गई, और तनाज भी मार खा गई। अरे लेस देन सिक्स का मतलब होता है 6 से छोटा, तो 6 को थोड़ी काउंट करेंगे, 6 को काउंट नहीं करेंगे ना दोस्त, तो 6 काउंट नहीं होगा, बाकी उससे रिलेटेड सब काउंट हो जाएंगे, तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 5/6 हो जाएगा, क्लियर। चलो सर, एक एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको हमेशा पता है कि एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, सही है। अच्छा कितने लोग हैंड रेस करना, कितनों के सब सही थे, आठों के आठों सही थे, मैं देखना पसंद करूंगा हैंड रेस में कितने लोग थे ईमानदार, ऑब्वियस बात आप ईमानदार हो, अगर ईमानदार हो गए ना तो आपको बता दे रहा पहले ही ना, बीवी अच्छी मिलेगी और दूल्हा भी अच्छा मिलेगा, हाँ पहले बता दे रहा, अगर ईमानदारी किया तो बेईमानी पाया ना तो फिर बतवा दे दूंगा, बता दे रहा हूँ, ईमानदारी से बताइयो सब लोग, हाँ। तो कितने हैं, मात्र 23 लोग, अच्छा 23 लोग हैं, चलिए अच्छा 23 लोग इस सवाल को कर रहे हैं, तो अब मैं दूसरा, उस हिसाब से मैं दूसरा सवाल उसी टारगेट का दूंगा ना यार, जीरो के बारे में बिल्कुल साहिल हम बात ही नहीं करते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर्स, याद रखें साहिल, तो जीरो के बारे में बात करना अपने में गलत है, ठीक है, अभी आपने मेरे से पढ़ा नहीं है, उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर आप लोग पहले से अगर देख लेंगे तो आपको उस दिन बहुत मजा आएगा जिस दिन मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं मैं किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको एकदम मजेदार चीज फीलिंग आ जावे, ये चैप्टर खत्म करने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट, इसका भी यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिसको भी ये वो पहले से देख लेगा उसको बड़ा मजा आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद हम आएंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद बस एक ही चैप्टर बचेगा नंबर सिस्टम, और एक चैप्टर बचेगा हमारा प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ खेलना, ये दो हम लोग बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि बाकी जो 4 चैप्टर बचेंगे, और ये ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहां नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, उधर 26 लेक्चर में मैंने खाली ये पढ़ाया, ठीक है, 26 लेक्चर थोड़ी है हमारे पास, वहां पे बहुत सारी चीजें आराम से, खाली मैथ पढ़ रहे थे, साइंस वाइंस नहीं पढ़ रहे थे ना, तो पिछले वाले बैच में आगाज में मैंने ये पढ़ाया हुआ है ये 4 चैप्टर, तो बहुत अच्छे से, अब स्पीड मैथ में तो एकदम सही है, अगर 1 महीने में एग्जाम हो जाए ना तो 4 लेक्चर जो है मैं बोल दूंगा आप लोग पीछे से देख लो, और यहाँ पे 2 लेक्चर दिन में हम लोग जो काम की चीजें हैं जिससे आप पूरा सवाल बना, वहां पे मैंने बहुत आराम से पढ़ाया Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 लीनियर इक्वेशन, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ जो बच्चे इस बैच में एडेड हैं, जो अभी तक पुराना आगाज बैच में एड नहीं हुए हैं, वो पुराने आगाज बैच की मैं क्लासरूम आईडी बता रहा हूँ, वो क्लासरूम आईडी भेज दें और उस बैच में एड हो जाएं, और जब दिल करे आपको तो वो वाले वीडियोस देख लिया करो, एकदम एडवांस में अगर आपको पढ़ना है, मजेदार तरह से पढ़ना है, तो वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो बड़े आराम से, आगाज बैच की जो क्लासरूम आईडी है वो है 260-260-819-803, जो बच्चे इसमें एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ही है सिर्फ। हाँ तक दिन जरा मैं सर को बोला हूँ, थोड़ा पेन का दिक्कत था, बेफिक्र रहे आप, ठीक है,
तो आप ना ये वाले क्लासरूम में बिल्कुल ऐड हो जाएं, जो जो बच्चे अभी यहाँ पे हैं, आप जाके अगर आपको चाहिए कि ना सर नवाब सर से लीनियर इक्वेशन एकदम धासु अंदाज में पढ़ना है, उस बैच में मैंने बहुत धासु एकदम आराम आराम से सब कुछ पढ़ाया, आराम आराम से ठीक है, क्योंकि मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, इन केस अगर बहुत जल्दी हुआ एग्जाम जल्दी हुआ तो चार लेक्चर में उतने आराम से नहीं पढ़ा पाऊंगा दोस्तों, 26 लेक्चर एक महीने में एग्जाम हो, 26 लेक्चर खाली उन्हीं चारों में लगा देंगे आप, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, जो लोग नहीं ऐड है, जो नए बच्चे इधर ऐड हुए हैं इस आगाज 2.0 में, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, आप इस बैच में जुड़े रहो, साइड बाय साइड अगर लेक्चर देखते रहो तो आपके लिए फायदेमंद, ठीक है। तो यही सीक्वेंस रहेगा, अगर 6 चैप्टर उसके बाद हम लोग उनको 4 चैप्टर में आएंगे, क्योंकि वो चैप्टर पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं तो लोग क्लास ना भी करें तो चलेगा, चांसेस है यासीन की जल्दी हो सकता है टेस्ट, चांसेस है 9th एंट्रेंस और 6th एंट्रेंस जल्दी होगा, अक्टूबर में होने के चांसेस मेरे तरफ से तो कम लग रहे हैं, मेरे तरफ से कम लग रहे हैं, क्योंकि वो लोग अगर सितंबर में सोच रहे हैं तो बिल्कुल चाहेंगे कि सितंबर में, अगर उनका करवा रहे हैं तो कोरोना काल के लिए वो तैयार हो गए हैं कि भाई सितंबर एंड तक कोरोना काल का थर्ड वेव नहीं आने वाला है तो जल्दी से 9th वाले और 6th वाले को निपटा लो, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को करो। चलिए एक सवाल हो गया 2 क्वाइन का, मैं चाहूंगा कि एक क्वाइन हो गया, 2 क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम आएगा, 2 क्वाइन को टॉस करने में सबको पता है एक हेड बनेगा और एक हेड बनेगा और एक सर टेल बनेगा और टेल बनेगा, तो 4 आउटकम आने के चांसेस। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आ जाए, 2 हेड बोलूं या एग्जैक्टली 2 हेड बोलूं, बात एक ही है। नहीं नहीं तो पहले एक साथ 2 क्लास ज्वाइन किया, 5-7, 5-10 क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, एक क्लास में एक बार में एक ही क्लास ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां बैच में जा सकते हो आप, 1-2-4-5 बैच में आप जा सकते हो, महादंगल कहाँ कहाँ हो सब में आप जा सकते हो। तो सर 2 हेड एक ही जगह है जहां पे 2 हेड है, यही एक आउटकम है जहां पे 2 हेड है, तो 4-4 में से एक ही है ऐसा जहां पे 2 हेड है, बताओ प्रोबेबिलिटी कि एक हेड आवे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। यार तुम लोग को चैट ऑफ करना पड़ेगा, 1 मिनट, 11 मिनट बचा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही हेड आएगा बताओ जल्दी सा, एक हेड सर, एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ, 2 है सर, तो टोटल 2/4, आंसर 1/2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक भी हेड ना आवे, तो सर पूरा का पूरा टेल आ जावे, पूरा का पूरा टेल आ जावे, तो 0/4, 1/4, ये वाला केस इंक्लूड कर सकते हैं ना, 0 हेड का मतलब ये नहीं कि 0 पटक दें, ये तो यानी ये केस के बारे में बात की जा रही है। हाँ अगर मैं बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड आ जावे, तब आप बोलेंगे सर 3 हेड तो एकदम मुश्किल है, सर एकदम मुश्किल है, कहां से आ जाएगा 3 हेड, तो ये 0/4 तब बोल के आप बोलेंगे आंसर 0, ठीक है। अच्छा सेम आंसर आपको जानकर अच्छा लगेगा, 2 टेल बोलता तब भी आंसर सेम, 1 टेल बोलता तब भी आंसर सेम, 0 टेल बोलता तब भी आंसर सेम, 3 टेल बोलता तब भी आंसर सेम, आंसर चेंज नहीं होता, 1 टेल 2 टेल इसके बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा ये भी एक सवाल बहुत अच्छा दे रखा आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि ये 10th में भी है ये वाला चीज, क्या बोलना चाह रहा है, बोलो मरियम बोलिए क्या बोलना चाह रही है आप। मरियम बताइए। यस सर, आप एक बार ये फिर से बता दीजिए। कौन सा ये 1 हेड 2 हेड वाली बात दोस्त? सही। यस सर। आपको ये बात समझ में आई होगी कि 2 क्वाइन अगर हम उछालेंगे तो ये 4 आउटकम पॉसिबल है, यहाँ हेड आ जाए, यहाँ भी हेड, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ टेल, यहाँ हेड, या तो फिर दोनों के दोनों टेल हो जावे, ठीक है। अब मैं आपसे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आए, 2 हेड आए, 2 हेड कहूं या एग्जैक्टली 2 हेड्स कहूं, बात एक ही है, तो देखिए ना सर एक ही तो केस है जहां पे 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सही है, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स एक ही केस है, तो 1/4 टोटल कितने है? 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गया। मैं बोलो 1 हेड आवे तो ये तो 1 हेड नहीं है सर, एग्जैक्टली 1 हेड बोलू या एग्जैक्टली 1 हेड बोलू, बात एक ही है, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो 2/4 सर एक भी हेड ना आवे, तो यहाँ तो हेड है सर, यहाँ भी हेड है सर, यहाँ भी हेड है, यहाँ पे हेड नहीं दिख रहा है सर, तो 0 नहीं, एक केस इंक्लूडेड है, टोटल 4 केसेस है, 4 में एक इंक्लूडेड है, 1/4, और मैं कह रहा हूँ 3 हेड आ जाए, कभी पॉसिबल है, नाक रगड़ते रह जाओगे, 3 हेड तो आने वाला ही नहीं है, तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 हैंड रेस है, आप उतारते रहे जब तक मैं मुनाफ का सवाल लेता हूँ। हाँ मुनाफ बताइए।
यहाँ पे आते ना पहले वाले केस में हेड हेड तो एक बार हेड आया, सेकंड वाले में भी हेड आया एंड थर्ड वाले में भी आया ना सर हेड। थर्ड वाले में भी हेड लिखा है मैंने, ये रहा दो हेड, ये हेड नहीं लिखा सर। जो आपने चौथा वाला बोला है प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीन बार हेड आए सर, तो आता ना सर तीन तीन बार। मैं दो कॉइन उछालूंगा तो तीन हेड एक साथ कैसे दिख जाएंगे ये बता दो मेरे को, समझ में आया सवाल क्या है बेसिकली? तीन हेड का आना मतलब ये काउंटिंग में से तीन नहीं, इसमें क्या तीन हेड मौजूद है नहीं, ये है आउटकम, ये आउटकम नंबर वन, ये आउटकम नंबर टू सर, आउटकम नंबर थ्री, आउटकम नंबर फोर, ये है मेन कहानी, ऐसे दे रखा है ठीक है। हाँ दोस्त बिलाल बोलो। सर अगर पूछे कि कितने चांसेस है हेड आ जाने के तब क्या करेंगे? हेड आ जाने के यानी ये वाला केस भी, ये वाला केस भी, ये वाला केस भी, तीनों इंक्लूड हो। अच्छा सवाल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आवे? तो हाँ सर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, यहां तो हेड कभी नहीं आ रहा है तो तीन अपॉन चार बोलते हैं आप। लेकिन इसमें दो बड़े मजेदार चीज है जो आपके अभी तक पूछा नहीं लेकिन मैं समझाना चाहूंगा। लेट मी चेक फर्स्ट कि ऐसा एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला पूछा है कि नहीं पूछा आपसे, तो एटमोस्ट और एटलीस्ट मैं आप लोगों को करवा दूं। इवन नंबर पूछा है, ऑड नंबर पूछा है, ठीक है, वन हेड और वन टेल, ये भी एक अच्छा है। आपसे पूछा कि एक हेड आवे और एक टेल आवे, एक हेड एक टेल और एक हेड आवे, अरे सर ये रहा ना केस, एक हेड और एक टेल, ये रहा सर एक हेड और एक टेल, कितना हो गया फेवर? दो, तो दो अपॉन चार, ठीक है। और क्या पूछा? नंबर ग्रेटर देन सिक्स, लो अभी करवा दिया मैंने, नंबर ग्रेटर देन सिक्स जीरो है, ठीक है। अच्छा ये बताना मन को, नंबर ग्रेटर देन फाइव कितना आएगी प्रोबेबिलिटी? नंबर ग्रेटर देन फाइव में क्या आएगी प्रोबेबिलिटी डाइस के केस में? अच्छा चैट ऑन नहीं है तुम लोग का ना, नंबर वन बाई सिक्स, एक ही नंबर होगा ना सर, एक ही नंबर होगा सर, हाँ एक ही नंबर होगा जो कि ग्रेटर होगा वन बाई सिक्स। अच्छा बताना नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, पांच से बड़ा नहीं होना चाहिए आंसर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, फोर बाई सिक्स, फोर बाई सिक्स, हम बिल्कुल टू बाई थ्री लिख सकते हैं, आंसर इज फोर बाई सिक्स, फोर बाई सिक्स। सर नंबर प्राइम ना हो, नंबर नॉट प्राइम, चलो प्राइम वाला तो तीन बाई था सर, तीन बाई छह था, प्राइम ना हो तब भी आंसर वन बाई टू हो जाएगा सर, क्योंकि प्राइम ना हो तो यानी ये ले लो और ये ले लो, ना हो ठीक है। अच्छा दो कॉन्सेप्ट है जो मेरे को सिखाना है, दो कॉन्सेप्ट है जो मेरे को सिखाना है, अभी तक पूछा नहीं है, इतने में आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पांच मिनट है एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा मजदार मजदार सवाल, अब एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है। आ रहा हूँ ना इधर, आ रहा हूँ सैफ, अभी काहे टेंशन ले रहे हो? दो पार्ट में बोला ना मेरे को कराना है तो कराना है, अभी एक वाली लाइक भी समझा दे, रैंडम है सब पढ़ा दे। आप सुनो मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पांच मिनट के लिए रिक्वेस्ट जरा एक्सेप्ट कर लो, जरा आगाज में देख देख के कर रहे हो ना, हाँ ठीक देख देख के ना बच्चे जो है, चलो इधर ध्यान देंगे जरा ना। एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, दो कॉइन है, दो कॉइन है ना, दो कॉइन है, देखे कौन बंदा सबसे जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर नहीं टेलीग्राम पे डालता हूं ना, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे सब, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप भर रहा है, टेलीग्राम पे कौन सबसे जल्दी दो कॉइन को आपने लिखा, दो कॉइन को आपने हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये चार आउटकम दो कॉइन के आपने ऐसे लिखे ठीक है। अगर मान लीजिए मैं तीन कॉइन उछालू आउटकम लिख के दिखाए कोई, क्या क्या आउटकम आ सकता है सबसे जल्दी मेरे को चैट सेक्शन में टेलीग्राम पे कौन भेज रहा, देखें आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल, सबसे जल्दी कौन भेज रहा है तीन कॉइन का केस को, मैथ्स वाले में भेजने का है, मैथ्स वाले में सबसे आउटकम क्या क्या आएगा, एक एक करके नहीं एक साथ सारे भेजो, एक साथ सारे टेलीग्राम पे, पहली बात तो गलत है, पहली बात जो बंदा बोल रहा है कि 12 आएगा आउटकम एकदम गलत है, 12 आउटकम तो होंगे ही नहीं, आप बताओ कितने आउटकम होंगे, एक पे दो आता है, दो पे चार आता है, तो तीन कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आ सकते हैं? ऑप्शन है सर 6 आएगा ना, सर 7 आएगा ना, सर 12 आएगा ना, सर 8 आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो जो बोल रहे हैं 6 18 ऑप्शन में तो मैंने दिया ही नहीं है ऐसा। लो किसी ने मेरे को भेजा है, जिसने भी भेजा है वो अभी तक सब ने गलत भेजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैद हमारा मोहम्मद जैद, जैद अबू जैद नहीं,
मोहम्मद जैद इसका विनर है, सबसे पहले उसने सही भेजा है कि द करेक्ट आंसर। अच्छा मुनाफ सुल्तान का भी है पहले आंसर, ओ माय गॉड सॉरी, मुनाफ सुल्तान का भी दिख रहा है मेरे को, एक मिनट में देख लो। हाँ यार उसने, उससे पहले मुनाफ ने भी भेज दिया, मुनाफ ने भी भेज दिया है, तो मुनाफ इसकी विनर है, मोहम्मद जैद से पहले मुनाफ सुल्तान इज द विनर फॉर दिस। टोटल जो आउटकम है इसके आठ है, आठ आउटकम, ऐसा बिल्कुल नहीं कि डबल होते जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो देखना, मैं आठों के ऐसे चुटकियों में लिख के दिखा सकता हूं, अगर नवाब सर के तरीके से सीखो। अगर ये चार लिखने आता है आपको तो हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, चार बार लिख दिया आपने, ये सेम फिर से रिपीट कर देना, हेड 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 टेल टेल हेड, ठीक है। हाँ है मुनाफ का है तो बिल्कुल है, मैंने देखा है ऊपर, सबसे ऊपर मुनाफ सुल्तान आगाज, उससे ऊपर जितने भी हैं सब गलत वाले हैं, ठीक है, मुनाफ सुल्तान आगाज ही है। तो सर चार बार ये लिख दो और चार बार हेड दौड़ा दो और चार बार टेल दौड़ा दो, कहते हैं कि आठों के आठों आउटकम ये लिख के तैयार हो जाते हैं। तो तीन कॉइन को छानने पे आठ आउटकम आता है, वो आठों का कुछ नहीं छूटा जाता हो तो देख सकते हो, चार बार यहाँ एक पोजिशन पे आठ हेड आएगा, चार बार टेल आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है एटमोस्ट का और एक कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट का, एटमोस्ट का है और एक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट का है, ठीक है। एटमोस्ट अगर मैं आपसे बोलूं एटमोस्ट, तो इसका हिंदी अनुवाद सुनो, इसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, अगर ना भी आए तो चलेगा, अगर ना भी आए तो चलेगा। इंग्लिश वर्जन सुन लो आप, ऐसे दिमाग में याद रखना, हमेशा ही सवाल जल्दी बनेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम कम से कम, कम से कम, उससे कम नहीं आए, कम से कम इतना, ज्यादा आए चलेगा, ज्यादा आए, किसी का माइक ऑन है, ज्यादा आए चलेगा, ज्यादा आए चलेगा। अबू जैद तुम्हारा माइक ऑन है दोस्त, बहुत देर से, ज्यादा आए चलेगा। तो अब इस बात को अगर आप समझ गए हैं एटमोस्ट का मतलब और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एटमोस्ट और एटलीस्ट में बहुत घुमाया जाता है। तो मैं अगर आपको दो क्वाइन में पूछ रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटमोस्ट एटमोस्ट टू हेड आए, ज्यादा से ज्यादा दो हेड आए, अरे भैया दो हेड मतलब दो आ जाए, एक हेड आ जाए या एक भी ना आवे चलेगा, दो हेड वाला भी हम काउंट कर सकते हैं, ना ना ना, आंसर इज वन बिलाल, आंसर इज वन, ज्यादा से ज्यादा दो हेड आवे, ज्यादा से ज्यादा दो, दो आ जाए या एक आ जाए या एक भी ना आए चलेगा, तो पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा आंसर यहां पे बना जाएगा। अगर मैं बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटमोस्ट वन टेल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, जो हेड के लिए कहानी वही टेल के लिए है यहां पे, एक टेल आवे, एक टेल ना भी आए मतलब फातिमा, ना भी आए मतलब एक भी हेड ना आया, ये वाला केस, whether we will include this case or not, we have to include that case, that in this case we doesn't have any head, that why we can include this case as well। तो अगर आपसे बोला जा रहा है एक भी ना आए मतलब ना भी आए तो चलेगा, तो बिल्कुल वी कैन इंक्लूड दिस केस। जैसे आप बोला एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा वन टेल, तो ज्यादा से ज्यादा वन टेल यानी वी कैन इंक्लूड दिस वन, एक टेल आ रहा है यहाँ भी, एक टेल आ रहा है यहाँ, दो टेल है सर, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, एक ही चाहिए था, मैक्सिमम एक। आप एटमोस्ट कैसे समझ सकते हो, मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम दिस, और एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम इतना, तो एटलीस्ट का मतलब आप एकदम ये भी समझ सकते हो, दैट इज मिनिमम, कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है। और दोनों हेड मतलब यहां बिल्कुल सर, ना भी आए तो चलेगा, वी कैन इंक्लूड दिस केस, तो यहां पे द आंसर विल बी 3/4, ठीक है, तो 3/4। अगर मैं आपसे बोलता एटलीस्ट एटलीस्ट टू हेड कम्स, कम से कम दो हेड आना चाहिए, आ रहा मरिया, मैं भी यहां पर रिपीट करवाऊंगा, यहां पर एटलीस्ट कम से कम दो हेड आए, कम से कम दो हेड आए, कम से कम दो, तो उससे ज्यादा आए तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं आना चाहिए, मिनिमम दो चाहिए, मिनिमम दो चाहिए, तो मिनिमम दो तो एक ही पड़ा हुआ है ना सर, मिनिमम दो तो एक ही है, इसमें तो सब दो से कम है, इसमें तो सब दो से कम है, ठीक है सर, इसमें तो सब दो से कम है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने से बोलूं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 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 वन हेड कम, एक हेड आए, एक ही हेड आए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही हेड आए, एटलीस्ट वन हेड कम, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड,
तो ये वाला केस इंक्लूड करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, एक हेड आएगा तो चलेगा, एक हेड वाला तो लेंगे हम, एक से ज्यादा वाला हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा आए चलेगा बिल्कुल लेंगे हम, लेकिन उससे कम वाला न्यू एडजस्टमेंट यार। ए अम्मा अब्बा बता दे रहे हैं ईद में जो परबी मिलनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट 100 रुपया मिलना चाहिए, कम से कम 100 रुपया। अब उम्मीद है आपको तो बहुत जल्दी परबी के नाम से समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट 100 रुपया मिलना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 100 रुपया, ज्यादा दे दो तो चलेगा, वही सेम चीज है, कम से कम एक हेड आए, ज्यादा आ जावे तो चलेगा। तो बिल्कुल द आंसर इज 3/4। अब अगर ऐसे बोलो परवी जो मिलेगा, अम्मा बोले ना बेटा एटमोस्ट देंगे, एटमोस्ट 100 रुपया देंगे, एटमोस्ट 100 से ज्यादा ना मिलेगा, ठीक है, तो एटमोस्ट मतलब, एटमोस्ट मतलब कि मैक्सिमम 100 मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है और ना भी मिलेगा, पर भी हम ना भी देंगे, जा मेरी मर्जी, लॉकडाउन चल रहा है ना देंगे हम, हमको खुद खर्चा ना मिल रहा है, अम्मी बोलेगी तो कहां से हम लाके तुमको दें। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट एटमोस्ट का और एटलीस्ट का, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। हम लोग रोने लगेंगे, चलो अगर ये बात सीख गए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करना है बस आप लोगों को, देखते हैं आप लोगों की काउंटिंग कितनी अच्छी है अगर ये सीख गए। टाइम देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं मैं, बस लास्ट लास्ट क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां पे ना एटमोस्ट दो सवाल कर दो खाली बस, ठीक है, एटलीस्ट, एटलीस्ट टू हेड कम्स और एटमोस्ट, एटमोस्ट टू टेल कम्स, इसका आंसर बता दो, पहले वाले का आंसर बता दो। चलो छोड़ दूंगा मैं जल्दी सा, हाँ बेटा कम से कम 100 चैट टू नवाब सर करिए जल्दी, पहले का आंसर एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, भाई कम से कम बता रहा हूं 100 रुपया, कोई ध्यान रखो कम से कम 100 से ज्यादा आ जाएगा चलेगा, कम से कम 2 हेड, हाँ सर 2-3 आ रहा चलेगा, 2 हेड हाँ सर चलेगा, 2 हेड हाँ सर चलेगा, ना 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 2 हेड हाँ सर चलेगा, बिल्कुल नहीं, तो कितना हो गया काउंट करो, 4, टोटल कितना था 8, आंसर कितना हो गया 1/2, 5 कैसे आ रहा तुम लोग का यार, 5 कैसे आ रहा, कम से कम 2 हेड, तो 1, 2, 3, 4, 4/8 आ रहा, 4/8 आएगा, 0.5 एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, एटमोस्ट ज्यादा ज्यादा 2 टेल, 2 टेल उससे कम भी आ जावे तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 2 टेल आना चाहिए, एक भी ना आवे चलेगा, एक भी ना आवे चलेगा, 2, 1 या 1 भी ना, हाँ सर चलेगा, एक भी नहीं है, 1 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है, 2 टेल है, ई वाला नहीं चलेगा सर, क्योंकि आपने यहां पे 3 टेल करवा दिया, 3 टेल करा दिया, तो द आंसर इज 7/8, द आंसर इज 7/8, बस ये वाला केस इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसी तरह से हमारा इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा कंक्लूड हो गया, फाइनल हो गया, बस खाली अगर आपने ये बात बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़े हुए हो, टाटा खत्म नहीं, एक से लेकर अगर हमने 100 तक कार्ड लिखे, ऐसे कार्ड लिखे, रैंडम कार्ड लिखे और उसको डाल दिया अंदर बैग में, एक से लेकर 100 तक नंबर लिखा हुआ है, एक से लेकर 100 तक नंबर लिखा हुआ है, रैंडम मैंने कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर नेचुरल होगा, जल्दी चैट करना एकदम जल्दी जवाब, ऐसे बस आज का प्रैक्टिस कर रहे, डीपीटी समझ लो, डीपीटी की प्रैक्टिस हो रही है, जल्दी पूरा का पूरा नंबर, ए पूरा का पूरा नंबर 100 नेचुरल नंबर है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी नेचुरल नंबर निकलेगा, पूरा का पूरा नंबर नेचुरल है तो 100/100 आंसर 1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि होल नंबर मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, पूरा का पूरा नंबर होल है अभी भी आंसर 1 ही मिलेगा, 100/100 आंसर 1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर इवन होगा, इवन होगा, इवन प्रोबेबिलिटी ऑड, इवन होगा 100 तक, एक से लेकर 100 तक में इवन होगा, कितने इवन होंगे 50/100 आंसर 0.5, कितने ऑड होंगे 50/100 आंसर फिर से 0.5, ये लास्ट के 4-5 सवाल मजेदार, अगर तुम लोगों ने ये बता दिया ना मैं मान जाऊंगा एकदम सही चल रहे हो तुम लोग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर मिलेगा एक से लेकर 100 तक में, अगर तुम लोग को पता है तो आंसर पता है, क्या ए सैफ तुम तक दिक्कत ना करो, ए इधर आओ सैफ, तप चलो सैफ नहीं बताओ जल्दी से, एक से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर ये पता है तो आंसर है आपके पास, एकदम गलत पता आप लोगों को, एक से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, उदित ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, एक से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं तो आंसर इज 1/4, कितने कंपोजिट होते हैं, कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, जल्दी एक मिनट में फिर छोड़ रहे हैं, कितने कंपोजिट होते हैं, द आंसर इज 74, नॉट 75, 74
74 अपॉन 100 ये 0.74, ठीक है। कितने नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो कंपोजिट ना ही प्राइम, ओनली वन, वन इज द नंबर विच इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, तो वन अपॉन 100। बताना कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक से लेकर सौ तक में, एक से लेकर सौ तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दस, एक से लेकर सौ तक में दस, एक चार नौ, है ना, जो जो स्क्वायर नंबर है तो दस नंबर है, तो वन अपॉन हंड्रेड, सॉरी टेन अपॉन दस नंबर है। कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है, कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है, कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है एक से लेकर सौ तक में बताओ। एक तो वन है, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब सत्ताईस, चार का क्यूब चौसठ, पांच का क्यूब 125, ना चलेगा ना चलेगा ना चलेगा। तो चार ही नंबर है, चार ही नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो चार बाई सौ। ये नवाब सर की तरफ से एक अलग क्वेश्चन का लेवल था, जो बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट को मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी में ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं, जिसको जाना जा सकता है, जिसको डॉट पूछना डॉट पूछ सकता है। जल्दी मरियम बताइए आप, जिसको जाना जा सकता है, टाटा बाय बाय, खत्म। इंग्लिश क्लास है, हाँ मरियम बोलिए सर, एटमोस्ट और एटलीस्ट डिटेल उनका एग्जांपल भी। दूसरी बार पूछ रही है बात, एटमोस्ट और एटलीस्ट वाली बात, ठीक है। हुमैरा बताइए आप। ये सर आपने ये लास्ट में क्या लिखा है, नाइदर डैश, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर कंपोजिट डॉक्टर वाली राइटिंग थी, बस बोल रहा था मैं, सुन लेते आप। नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, जिसको एटलीस्ट और एटमोस्ट समझ में नहीं आया, एक बार और मौका मैं देता हूँ इस सवाल में फिर से बताने के लिए। मैं बोलूं इस वाले तीन कॉइन की बात है, मैंने कहा एटलीस्ट वन टेल कम्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक, तो काउंटिंग बस आपको आनी चाहिए और देखना आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कम से कम एक टेल, तो पहले आप अलग कर लो कि कम से कम एक टेल का मतलब क्या हुआ। एक टेल आएगा तो लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। दो टेल आएगा तो लेंगे, हाँ बोला बिल्कुल लेंगे। तीन टेल आएगा तो लेंगे, बोला हाँ बिल्कुल लेंगे। चार टेल, अरे भाई चार टेल तो आएगा नहीं, काहे काउंट कर रहे हो, एक ही टेल आ सकता है, दो टेल आ सकता है या तीन टेल आ सकता है। जीरो टेल, ना जीरो टेल वाला नहीं लेंगे, क्योंकि आपने एक कंडीशन बना दिया है कम से कम एक टेल या दो टेल या तीन टेल, एड या टेल। तो यहां आप देखो सर, एक भी टेल नहीं, तो ये तो जीरो वाला केस हो गया, तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाला सवाल कराया था क्या मैंने, अरे यार यही सेम सवाल करा दिया मैंने। तो ये थ्री, अच्छा ये दो कॉइन के लिए था, ये दो कॉइन के लिए था इधर, यहाँ पे मैंने अच्छा नहीं करा, ये रहा सवाल। अब यहाँ पे देखते हैं, तो एटलीस्ट वन टेल में कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इंग्लिश की क्लास है आज, 8 PM पे क्लास होगी, 8 PM पे। तो एक भी नहीं आ रहा, यहाँ पे एक आ रहा है टेल, यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, यहाँ पे तीन आ रहा है, सब केसेस लिए जाएंगे, तो आंसर हो गया इसका 7/8, दैट्स इट। टोटल कितने फेवरेबल, सात, कितने टोटल, आठ, 7/8। अच्छा बताना मेरे को, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट, एटमोस्ट वन हेड कम्स, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, तो इसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब एक हेड वाला केस हम काउंट करेंगे, ना भी आए तो भी चलेगा, यानी जीरो वाला भी हम लोग काउंट करेंगे। अब काउंटिंग करते हैं, एक हेड ना सर तीन है, एक हेड ना सर दो है, एक हेड ना सर दो है, एक हेड हाँ ये चलेगा सर, दो ना चलेगा सर, एक हेड चलेगा सर, एक हेड चलेगा सर, एक भी हेड ना है सर बिल्कुल चलेगा सर। तो पहले आप इसको सेग्रीगेट कर लो, अलग कर लो कि कौन सा केस हमें उठाना है और उसको काउंटिंग कर लो। तो एक दो तीन चार, चार ऐसे केसेस हैं और टोटल केसेस कितने बन सकते थे, आठ, तो आंसर इज 1/2। उम्मीद है मरियम मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, वैसे और टाइम ज्यादा होता तो मैं इस पे कम से कम एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत सारे सवाल कराता। हाँ बिलाल बताओ दोस्त, क्या हुआ पीपीटी सबसे ना रात में एक साथ होया, स्क्रीनशॉट पेज नंबर वन, जरा स्क्रीनशॉट लेके ना टेलीग्राम पे डाल देना, बहुत सारे बच्चों का नमाज का टाइम हो गया, वो लोग चले गए होंगे। पेज नंबर वन स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डाल देंगे, पेज नंबर वन। पेज नंबर टू, जिनकी क्लास हुई फातिमा वही आएगा रिफ्लेक्शन, जिनकी क्लास हुई है, ठीक है, जो सर ने पढ़ाया वही आएगा टेस्ट पेपर में आपसे। पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री,
पेज नंबर 4 द लास्ट पेज, इसमें बहुत काम काम की चीजें हमने सीखी है, आउट ऑफ सिलेबस की चीजें यहाँ पे ज्यादा थी, ये आउट ऑफ सिलेबस था, थोड़ा सा आउट ऑफ नहीं आपके सिलेबस का ही पार्ट अगर हम माने तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, 3 पॉइंट तो लिखा जाता है। आप कैफ बोलिए, कैफ अंसार बोले सर डीपीटी का टाइम क्या है? डीपीटी अब रात में आता है 9:45 पे 10:15 तक, आधा घंटे में 2 डीपीटी आपको करनी होती है, ठीक है? 30 सवाल आप चाहे वो मैथ हो चाहे उसकी मैनेज। चलिए अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो अच्छी बात है।